वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ फ्रॉम वडाला टू ठाणे लाइन 4 ग्रीन लाइन का अपडेट। इसका वीडियो जो है मैंने 3 महीने पहले बनाया था, तो अभी हम देखेंगे इसका फुल प्रोग्रेस अपडेट। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है, कुछ भी वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इससे हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से मैं बता दूँ आप लोगों की, अभी ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है वडाला भक्ति पार्क वाला एरिया। तो यहीं से जो है मेट्रो लाइन स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो आप अपने दोनों स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक साइड से जो है वडाला से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, और ये जो आप देख रहे हैं एक स्क्रीन में, ये जो है ये आ रहा है फ्रॉम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टुवर्ड्स भक्ति पार्क के लिए। तो दोनों साइड का मैं आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करने के लिए मैंने ये दो स्क्रीन यहाँ पर लगाए हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये है मोनोरेल भक्ति पार्क का स्टेशन, और इसी के राइट साइड में जो है मेट्रो लेन का जो काम है वो स्टार्ट है, जहाँ पे मेट्रो लाइन का भक्ति पार्क का स्टेशन बनने वाला है। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि वडाला भक्ति पार्क के पास में जो है एक पॉकेट ट्रैक भी बनने वाला है, जो कि सर्व करेगा एज अ डेपो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वडाला से लेके CST और एक प्रोजेक्ट जो है वो भी पाइपलाइन में है, मगर इसकी जो कॉस्टिंग है वो आने वाली है 38.85 करोड़ रुपीज़ फॉर द साइडिंग लाइन पॉकेट ट्रैक, जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। मुंबई मेट्रो ग्रीन लाइन 4 जो है वडाला से लेके कसार वडावली ठाणे गुड़बंदर रोड पे जाने वाली है, वाया घाटकोपर मुलोड तीन हाथ नाका से होते हुए, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका प्रोग्रेस आज हम देखने वाले हैं। तो इसकी जो टोटल किलोमीटर लेंथ है वो है 32.32 किलोमीटर्स, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 14,549 करोड़ रुपीज़। और इसमें जो टोटल स्टेशंस आने वाले हैं वो है अराउंड 32 स्टेशंस, और इस लाइन को जो है वो इंटरचेंज दिया जाएगा लाइन 2B के साथ में, और लाइन 6 यानी कि विक्रोली लोखंडवाला ले मेट्रो लाइन के साथ में भी, और दिया जाएगा मेट्रो लाइन 5 यानी कि फ्रॉम ठाणे टू भिवंडी, भिवंडी टू कल्याण। इस तीनों इंटरचेंज से इसका जो रूट है उसे जोड़ा जाएगा, और एक जो है सबर्बन सेंट्रल रेलवे लाइन है कांजूर मार्ग से, उसे इससे भी जोड़ा जाएगा। और इसका वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था 2018 में, तो अभी लगभग इस प्रोजेक्ट को जो है 5 साल गुजर चुके हैं, तो आने वाले आई थिंक सो 2-3 साल में इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए। इसका जो फिज़िकल वर्क है वो 50% जो है वो अभी तक ख़त्म हो चुका है, और इसमें जो है 156 PPC यानी कि प्लेटफॉर्म पियर कैप्स जो है अक्रॉस 13 मेट्रो स्टेशन जो है लाइन 4 के, उसे कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। और इसमें जो टोटल पिलर्स लगने वाले हैं वो है 1476 पिलर्स, जिसमें कि 973 पिलर्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये जो आप अपने सामने में देख रहे हैं ये है अनिक बस डेपो, जहां पे अनिक का जो है वो मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। तो अभी हम जो गुजर रहे हैं ये है वडाला ट्रक टर्मिनल वाला रोड, अब इससे हम आगे गुजरेंगे और हम बढ़ जाएंगे यहाँ से टूवर्ड्स एक फ्लाईओवर आएगा, जो कि फ्लाईओवर अक्रॉस गुजरता है फ्रॉम साइन पनवेल वाले रूट पे से। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है सामने में राहुल नगर, यहाँ पे है प्रियदर्शनी, और यहाँ पे है 2-3 कॉलेजेस इंस्टीट्यूट। तो इसके जो है बैक से ये रूट गुजरने वाला है। अभी मैं आ गया हूँ उसी फ्लाईओवर के ऊपर में, और सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो सामने वाला स्पेस आप देख रहे हैं, इसी स्पेस के बैक से जो है मेट्रो लाइन निकलेगी और ये आ जाएगी ऑन टू, और ये जो गार्डन आपने सामने से देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया फ्लावर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर्स का जो काम है वो हो रहा है। ये है बैक ऑफ प्रियदर्शनी राहुल नगर, जहाँ से मेट्रो लाइन जो है इसके बैक से गुजर के आ जाएगी ऑन टू सुमन नगर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, और यहाँ से वो आगे बढ़ जाएगी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही रहते हुए टूवर्ड्स घाटकोपर माहौल रोड की तरफ। तो अभी हम यहां से बढ़ेंगे आगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए, यह है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का कुरला फ्लाईओवर जो सामने में आपको दिख रहा है, इसके ऊपर से भी हम गुजरेंगे, और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं मशीनरी लगी हुई है, और लेफ्ट साइड में आपको भी दिखेगा रीइन्फोर्समेंट। ये जो लाइन है ये लाइन है 2B, जो कि आ रही है फ्रॉम मानखुद से जा रही है टूवर्ड्स DN नगर के लिए। तो इस लाइन से जो है इसको जोड़ा जाएगा और यहाँ पर आपको एक इंटरचेंज मिलेगा। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे रहेंगे, और इधर से आगे बढ़ते बढ़ते हम चलेंगे, और वहाँ से हम अमर महल
कि फ्लाईओवर के नीचे से ले लेंगे घाटकोपर माहौल वाला रोड और हम बढ़ जाएंगे टूवर्ड्स गरुड़िया नगर, और वहाँ से हम ले लेंगे राइट टर्न और फिर हम वहाँ से बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स पंत नगर के लिए, लेकर नाथा लाल बैरिस्टर मार्ग को लेकर। तो दोस्तों अभी हम अमर महल फ्लाईओवर को क्रॉस करके बढ़ रहे हैं आगे माहुल घाटकोपर वाले लिंक रोड पे। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पे जो है कितना प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं पाइलिंग का पिलर्स का जो काम है वो यहाँ पे अभी चल रहा है। और ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आगे गोराडिया नगर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिलर कैप्स का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डेस्क भी रखे जा चुके हैं और कुछ जगह पे आप सिर्फ देख सकते हैं कि पिलर जो है वो लगे हुए हैं, और ये जो है स्टेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जो स्टेशन बनने वाला है उसका मैं आप लोगों को नीचे में लिख के बता दूंगा। अब हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम ले लेंगे यहाँ से गोराडिया नगर पे राइट टर्न और हम आगे बढ़ चलेंगे टूवर्ड्स पंथ नगर की तरफ। अभी हम हैं बैरिस्टर नाथ पाई रोड पर, ये आता है घाटकोपर में। तो ये जो लाइन आप ऊपर में देख रहे हैं ये गुजर रही है अभी उसी रोड पे से, और ये बढ़ चलेगी आगे टूवर्ड्स जहाँ पे घाटकोपर का बस डेपो है जो हाईवे से आता है, और हाईवे पे वो डेपो है आप जानते होंगे। तो ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन जाएगी उसी डिपो में, और उस डिपो से वो क्रॉस होकर लेफ्ट टर्न लेकर गुजर जाएगी लक्ष्मी नगर के अंदर। और ये लाइन जो है वहाँ से लक्ष्मी नगर को क्रॉस कर कर घाटकोपर का रेलवे जो ट्रैक है उसे भी क्रॉस करके ये आगे चली जाएगी आर सिटी मॉल पे, और ये ले लेगी वहाँ से LBS मार्ग वाला रोड, और वहाँ से ये LBS मार्ग पे ही रहते हुए वहाँ से ये लाइन जो है गुजरेगी टिल मुलुंड चेकनाका को क्रॉस करके तीन हाथ नाके पे जो कि है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, और वहाँ से ये लेफ्ट टर्न ले लेगी ऑन टू ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ में गुजरेगी और पहुंचेगी ठाणे माजीवाड़ा तक, जहां पे इस वीडियो को जो है हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो आप सामने में देख रहे हैं यही है घाटकोपर का बस डेपो, और ये है हाईवे से जो रोड आता है ये वो, और ये जो सामने में एरिया आप देख रहे हैं ये है लक्ष्मी नगर, जिसके पीछे से जो है वो लाइन गुजर कर आएगी इस LBS मार्ग पे, और ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ से ये मुड़ जाएगी ऑन टू LBS मार्ग, और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा आर सिटी मॉल घाटकोपर का। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ, MMRDA ने बेहद ही जो है बहुत ही स्लो गति से जो है इस प्रोजेक्ट का काम हो रहा था पिछले कुछ वर्षों से, तो MMRDA ने जो है इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर था उसे चेंज करके जो इसका सब कॉन्ट्रैक्टर था इस काम को जो है उसे सौंप दिया। तो उन लोगों ने जो है इस काम को बड़ी ही बखूबी से जो है अंजाम दे रहे हैं, और बहुत ही फास्ट जो है इसका प्रोग्रेस वो लोग कर रहे हैं। और एक ज़रूरी बात और एक खुशखबरी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 131.12 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रैक लेइंग, सही सुना आप लोगों ने, ब्लास्टलेस कमीशनिंग ऑफ ट्रैक वर्क मेन लाइन फ्रॉम मुलुंड फायर स्टेशन से लेकर ट्रैक्स ऑफ गायमुख स्टेशन लाइन 4 और 4A का जो है मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ये अवार्ड कर दिया है। इस अवार्ड को जीता है अपूर्व कृति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने। तो आपको बहुत ही जल्द इस लाइन पे जो है वो पैकेज CA-161 पे ट्रैक को बिछाने का काम शुरू होने वाला है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर इन्हें जो है इंक्लूडिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग ऑफ ब्लास्टलेस ट्रैक वर्क को मेन लाइन में फ्रॉम मुलुंड टू गायमुख जो है टोटल इसका काम इन्हें 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करके देना है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं कांजुर मार्ग के जंक्शन पे। यहाँ पे ही जो है लाइन 6 को जोड़ा जाएगा गांधीनगर स्टेशन से, ताकि जो है एक इंटरचेंज यहाँ पे आपको मिल सके। और इसी के राइट हैंड साइड पे है कांजुर मार्ग रेलवे स्टेशन, जो कि आता है सेंट्रल लाइन में। उसी के स्टेशन के साथ में जो है इस लाइन को भी जोड़ा जाएगा, और यही लाइन जो है LBS मार्ग पे रहते हुए ये लाइन अब बढ़ेगी आगे टुवर्ड्स मुलुंड के लिए। तो अभी हम यहाँ से होते हुए गुजरेंगे भांडुप से मुलुंड, मुलुंड से ठाणे 3 हाथनाके की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना काम हुआ है। तो ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, क्योंकि एक्चुअली में मुझे 32.2 किलोमीटर जो है उसे कवर करना पड़ा फ्रॉम वडाला से लेकर ठाणे माजीवाड़ा तक। तो ये वीडियो जो था इसे लंबा होना ही था। तो प्लीज़ जो है बेयर विथ मी और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। मैं आइंदा से कोशिश करूँगा कि वीडियो को जो है जितना शॉर्ट रख सकूँ और इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ये राइट साइड में आप देख सकते हैं भांडुप में कितना ही प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ है। ये जो है ये है भांडुप वाला स्ट्रेच। यहाँ पे पिलर्स, पिलर कैप के जो काम है वो यहाँ पे हुए हैं, और बैक में आपने देखा कि री इन्फोर्समेंट जो है वो उसका काम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भांडुप में आगे जैसे जैसे हम पहुँच रहे हैं भांडुप स्टेशन की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिलर कैप, पिलर और पिलर डेक जो है वो लग चुका है। तो दोस्तों ये जो आप देखें आपने, ये है भांडुप वाला स्टेशन राइट साइड में, और इसका जो स्काई वॉक है ये है आपके सामने में। तो स्काई वॉक को भी जो है डिसमेंटल का काम आई थिंक सो आगे होने वाला है। तो अभी जो आप ये राइट साइड में पिलर्स देख रहे हैं, ये पिलर्स जो है ये भांडुप साइड का ही पिलर्स है। यहाँ पे पिलर्स का जो काम है वो अभी आप देख सकते हैं प्रोग्रेस पे है। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे टूवर्ड्स नाहूर जंक्शन पे, यानी कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का जंक्शन जो है वो हम नाहूर पे क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे LBS पार्क पे ही रहते हुए टूवर्ड्स जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री की तरफ। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टेशन्स में मार्किंग करके आप लोगों को अभी बता रहा हूं, फ़िलहाल उसे आप जो है एक्यूरेटली मान के ना चले, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो MMRDA की तरफ से चेंजेस आते रहते हैं स्टेशन्स के बारे में। तो जैसे जैसे कुछ भी चेंजेस आती रहेगी मैं आप लोगों को आगे अपडेट करता रहूँगा। अभी जो फ़िलहाल मेरे पास में जो जानकारी मौजूद है MMRDA की साइट के तरफ से, मैं वही मार्किंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का प्रोग्रेस कितना हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं नाहूर वाले जंक्शन पे। ये है नाहूर वाला जंक्शन, जो कि राइट चले जाएंगे तो आप चले जाते हो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। अभी हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे टुवर्ड जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की तरफ। तो यहां पे बहुत काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से मैं आप लोगों को जो है बीच का हिस्सा जो है वो रनिंग में नहीं दिखा सकूँगा। तो जो मैंने थोड़ा सा शूट किया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप ट्रैफिक कितना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है री इन्फोर्समेंट का काम, पिलर बनाने का काम जो है वो यहाँ पे स्ट्रेच में चल रहा है। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम चलेंगे आगे जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री के पास में, और रहते हुए इसी रूट पे हम बढ़ जाएंगे आगे मुलुंड चेकनाका और 3 हाथ नाके की तरफ।
तो अभी हमने दोस्तों क्रॉस कर लिया है मुलुंड चेक नाका, और ये आप देख सकते हैं ये जो रूट है ये जा रहा है टुवर्ड्स तीन हाथ नाका की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्ट्रेच में कितना काम यहाँ पे हुआ है। तो मेरे लगभग मेरे अंदाजे से मुलुंड वाला जो स्ट्रेच है आता है फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री से लेकर माझीवाड़ा तक जो है प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा देखने मिला है, जो आप आगे देखेंगे कि इस लाइन में जो है काम वो अच्छे प्रोग्रेस पे चल रहा है। तो मैंने जो आपको जो खबर पहले दी थी 131.12 करोड़ रुपीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड कर दिया गया है लाइन बिछाने के लिए फ्रॉम गायमुख टू मुलुंड फायर स्टेशन तक। तो आई थिंक सो ये जो काम है नेक्स्ट 20-24 मंथ्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली आने वाले कुछ साल में ये लाइन जो है वो ऑपरेशनल देखने मिलेगी। मुंबई मेट्रो ग्रीन लाइन जो है इसमें लाइन आती है लाइन 4, लाइन 4A, लाइन 10, लाइन 11। ये जो है 57 किलोमीटर्स का जो अंडर कंस्ट्रक्शन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होने वाली है। ये मेट्रो लाइन जो मुंबई में काम हो रहा है इसका सबसे बड़ी लेंथ जो है वो किलोमीटर में इसी लाइन का है, और इसमें टोटल 48 स्टेशन आने वाले हैं। तो ये जो लाइन है ये जोड़ने वाली है गायमुख को, कसारा वडावली को, वडाला को, और CST और शिवाजी चौक इन मीरा रोड। तो आप समझ सकते हैं ये लाइन जो है CST से आएगी और सीधा मीरा रोड क्रिस क्रॉसिंग थाने को होकर गुजरेगी। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये जब बन जाएगी तो ये बहुत ही काम आने वाली है मुंबईकर्स के लिए। तो इस लाइन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए MMRDA जो है वो बहुत ही इफ़िशेंटली इसमें लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में जो लाइन बिछाने का काम गायमुख से लेकर मुलुंड फायर स्टेशन तक होने वाला है, तो आई होप कि आने वाले दिनों में जो है ये काम अच्छे से होगा और कुछ सालों में जो है ये लाइन हमें ओपनिंग होते हुए दिखेगी। और जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी मैं टाइम टू टाइम इसका अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का मेरा अपडेट ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और आप लोग किस वीडियो को किस अपडेट को देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के ज़रिए से बताने की कोशिश करें। बाकी खुश रहें, आबाद रहें और जो चाहे वो करते रहें। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली अपडेट के साथ में। ये वीडियो जो था थोड़ा लंबा हो गया है, बस प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि ये वीडियो को लंबा होना ही था क्योंकि 32 किलोमीटर्स का स्ट्रेच जो है वो कवर करना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।